हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक ऐप ओपन करना होगा। तो अगर आपके पास फेसबुक लाइट मौजूद है तो उसको भी आप ओपन कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास फुल वर्जन या प्रो वर्जन होता है जिसको फेसबुक ऐप बोला जाता है, वो भी आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन के ब्राउज़र, अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र से, जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया या फायरफॉक्स ब्राउज़र हो गया, वहाँ से आप फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं m.facebook.com। और ऐप ओपन करने के बाद, या आपने ब्राउज़र से फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करने के बाद, आपको अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद फेसबुक अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन्स ऊपर दिखाई जाएंगी, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो ऊपर आपको 3 लाइन्स दिख रही होंगी साइड में, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। तो यहाँ आपको सेटिंग्स नज़र आएगा, तो सेटिंग्स में हमें जाना है, तो सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर से हमें स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, और यहाँ देखिए योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप जब पहुँच जाएँ तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे, तो हमें यहाँ पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का ऑप्शन मिल गया है। तो अगर हम डीएक्टिवेट, यहाँ से अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, तो इस पर हम सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है डीएक्टिवेट अकाउंट, उसके बाद डिलीट अकाउंट। तो अगर आप डीएक्टिवेट करते हैं तो जो आपकी प्रोफाइल है वो डिसेबल कर दी जाएगी, जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल है, जैसे आपका नाम नहीं शो होगा, जो आपने फ़ोटो शेयर किए होंगे वो हट जाएंगे या दिखाई नहीं दिए जाएंगे, मतलब कि पूरी तरीके से आपकी प्रोफाइल डिसेबल हो जाएगी पूरी तरीके से बोले तो, आप उसको कोई देख नहीं पाएगा। हालांकि टेम्परेरी होती है, अगर आप चाहें तो उसको दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आप डीएक्टिवेट करते हैं तो आपका नाम नहीं शो होगा, जो आपने फ़ोटो शेयर किए होंगे वो नहीं शो होगा, लेकिन आप जो है मैसेंजर यूज़ कर सकते हैं डीएक्टिवेट करने के बाद भी। बहरहाल हमें अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करना है, और डीएक्टिवेट करने के बाद हम उसको दोबारा एक्टिवेट भी कर सकते हैं, टेम्परेरी डीएक्टिवेट होता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, तो अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करते हो तो परमानेंट डिलीट हो जाता है। तो जितनी भी चीज़ें, एक बार जब डिलीट हो जाएगा अकाउंट, तो जितनी भी चीज़ें डिलीट होंगी, मतलब जितनी भी चीज़ें आपने फेसबुक पर शेयर किए होंगे, जितने कंटेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी होंगी, वो सभी डिलीट हो जाएंगे। और एक बार जब आपका अकाउंट डिलीट हो गया तो आप उसको वापस नहीं पा सकते हैं। तो ये बहरहाल हमें बताना है कि आपको परमानेंटली अकाउंट कैसे डिलीट करना है अपने फेसबुक का। तो उस पर क्लिक करना होगा डिलीट अकाउंट पे, और उसको चूज़ करना होगा डिलीट अकाउंट ऑप्शन को। उसके बाद कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर देखिए फिर से हमें यहाँ पर मिलता है ऑप्शन डीएक्टिवेट अकाउंट का, तो हमें अकाउंट डीएक्टिवेट हमारा हो जाएगा लेकिन मैसेंजर चलता रहेगा फेसबुक का। बहरहाल हमें डिलीट करना है, और यहाँ पर आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन नज़र आएगा, तो अगर आप चाहें तो अपने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए जो शेयर इट वी मीडिया, उससे मैंने इस अकाउंट को लिंक किया होगा, तो अगर आपने भी लिंक किया होगा कहीं पर भी अपने अकाउंट को तो शो होगा यहाँ पर। उसके बाद हमें डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमें अपना पासवर्ड डालना होता है, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल ले रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमसे बताया जा रहा है कि देखिए अगर हमने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, एक बार हमने अपना अकाउंट डिलीट करने के लिए सबमिट कर दिया फेसबुक को, तो हमारा अकाउंट 30 दिन के अंदर अंदर जो है, मतलब 30 दिन में डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर हमने अपने अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया और अकाउंट डिलीशन को कैंसिल कर दिया, तो हमारा अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाएगा और हम इसको जो है दोबारा पहले जैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 30 दिन के बाद जब हमारे जो अकाउंट डिलीशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, मतलब होने लगेगी, 30 दिन हो जाएगा, उसके बाद हम अपने अकाउंट को दोबारा से नहीं वापस ला सकते हैं, मतलब दोबारा नहीं पा सकते हैं। और एक बार हमारा अकाउंट डिलीट हो गया 30 दिनों के बाद, तो फिर जितने भी हमने चीज़ें यहाँ पर शेयर की होंगी फेसबुक के ऊपर, वो सभी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी हमारे अकाउंट के साथ। तो यहाँ से अगर अपना अकाउंट आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका अकाउंट जो है पहले तो टेम्प्रेरी डिलीट होगा, लेकिन 30 दिन के बाद पूरी तरीके से डिलीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब डिलीट हो जाएगा तो दोबारा आप उसको नहीं पा सकते। तो अकाउंट अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना होगा, बस हो गया।
अब अगर आप दोबारा से उसको एक्टिवेट करना चाहें तो दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा और उसको एक्टिवेट कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। और अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो आप छोड़ दीजिए बिल्कुल इसी तरीके से। ये जब आप प्रोसेस डाल देते हैं यानी सबमिट कर देते हैं अकाउंट डिलीट करने के लिए, तो आपका अकाउंट पहले तो टेम्प्रेरी डिलीट हो जाता है, कहीं शो नहीं करेगा, जितनी चीज़ें आपने शेयर की होंगी वो सभी हट जाएंगी। लेकिन अगर दोबारा से रीएक्टिवेट करते हैं तो सब चीज़ें आ जाएंगी, आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। लेकिन 30 दिन के बाद अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, आपका पूरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस यही था, यही बताना था आप लोगों को। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।